मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये आचरण सही नहीं है। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती है। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं, इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक एवं मर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं, शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे आहत होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो, जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई, हर सदस्य को मौका दिया गया। इट इज एन ओकेजन। यह ऐसा अवसर है जहां उन्होंने भारत के संविधान को चुनौती दी, उन्होंने भारत के संविधान की भावना को आहत किया है, उन्होंने जो शपथ ली थी उसकी भी अवमानना की है। कि भारत के संविधान का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मजाक। भारत का संविधान हाथ में रखने की किताब नहीं है, जीने की किताब है। मैं आशा करता हूं कि वो आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने दिल को टटोलेंगे और कर्तव्य पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी,
आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं। 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, इसे ये पचा नहीं पा रहे हैं। और कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी हौसला नहीं था और इसलिए वो मैदान छोड़कर के भाग गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं तो कर्तव्य से बंधा हुआ हूं और न ही मैं यहां कोई डिबेट पे स्कोर करने के लिए आया हूं। मैं तो देश का सेवक हूं, देशवासियों को मेरा हिसाब देना है, देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब देना, मैं उसे अपना कर्तव्य मानता हूं। आदरणीय सभापति जी, वैश्विक परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ। हमने देश के किसान को मुसीबत में नहीं आने दिया और हमने करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपया फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी है। और जो भारत के आजादी के इतिहास में सर्वाधिक है और उसी का परिणाम है कि हमारे किसान को फर्टिलाइजर का इतना बड़ा बोझ उस तक हमने जाने नहीं दिया, सरकार ने अपने कंधे पर उसको उठा लिया है। आदरणीय सभापति जी, हमने एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है, इतना ही नहीं खरीद के भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले एमएसपी की घोषणा होती थी लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था, बातें बताई जाती थी, पहले की तुलना में अनेक गुना ज्यादा खरीदी कर करके हमने किसानों को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों में हमने कांग्रेस सरकार की तुलना में धान और गेहूं किसानों तक 2.5 गुना अधिक पैसा पहुंचाया और हम आने वाले 5 साल सिर्फ इसी का इंक्रीमेंटल वृद्धि करके रुकना नहीं चाहते। हम नए नए क्षेत्रों को उन कठिनाइयों का अध्ययन करके उसकी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, अन्न भंडारण का विश्व का सबसे बड़ा अभियान हमने हाथ लिया है और लाखों की तादाद में विकेंद्रित व्यवस्था के तहत अन्न भंडारणों की रचना करने की दिशा में काम चल पड़ा है। फल और सब्जी एक ऐसा क्षेत्र है, हम चाहते हैं किसान उस तरफ मुड़े और उसके भंडारण के लिए भी एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के हमने देश सेवा की हमारी यात्रा को निरंतर विस्तार देने का प्रयास किया है। देशवासियों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये हमारी प्राथमिकता रही है। आजादी के बाद अनेक दशकों तक जिनको कभी पूछा नहीं गया, आज मेरी सरकार उनको पूछती तो है, उनको पूजती भी है। हमारे दिव्यांग भाई बहनों के साथ हमने मिशन मोड में उनकी कठिनाइयों को समझ करके
माइक्रो लेवल पर उसको एड्रेस करने का प्रयास किया है और व्यवस्थाएं विकसित करने का प्रयास किया है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें और कम से कम किसी का सहारा उनको लेना पड़े, इस दिशा में हमने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, हमारे समाज में किसी न किसी कारणवश एक उपेक्षित वर्ग यानी एक प्रकार से समाज में बार बार हरदूत होने वाला वर्ग, वो ट्रांसजेंडर वर्ग है। हमारी सरकार ने